Hey guys, welcome back to the channel. This is Samir and you are watching MSQ Vlog. So guys, एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है. हम लोग हैं अशरफी गोट फार्म पर और एक और वीडियो में हम आपको ये पांच बच्चे दिखाएंगे माशाल्लाह सोजत के अंदर. ठीक है, सो आइए हम लोग बात करेंगे दद्दू भाई से और जानेंगे इन बकरों की डिटेल्स. सो गाइज, पहले तो आप बच्चे देखें. ठीक है, एक, दो और वहाँ पे तीन बच्चे हैं. बकरे जो है बहुत एक्टिव है, भाग दौड़ वाले बच्चे हैं. मैं आपको दिखा देता हूँ, कोशिश रहेगी कि आप लोग देखें, स्क्रीनशॉट ले लें. पांचों के एक साथ छोड़ के रहमत भाई वो हो गए. ये देखें माशाल्लाह, क्वालिटी चेक करें आप, बाकी डिटेल तो हम लोग आपको बता ही देंगे. माशाल्लाह, ये देखें रहमत भाई, ज़रा दिखाओ. वाह क्या बात है, तर गुलाबी. ठीक है, आइए हम लोग बात करेंगे दद्दू भाई से और बात इनकी डिटेल, इनकी डिटेल्स भी हम लोग लेंगे. इंट्रोडक्शन हमारे भाई. अस्सलाम वालेकुम भाई लोग. सो क्या नाम बताया आपने भाई? फहीम भाई. फहीम भाई को मैंने अभी तक कभी कैमरे पे नहीं देखा. ये जो फार्म का नाम है ना अशरफी. हाँ हाँ, तो पहले फहीम भाई मुरीद बने थे अशरफी सिलसिले. अच्छा अच्छा, बने इनके जरिए. अच्छा, और हम लोग ने सौदा जब किया, हम लोग जिस दिन मैंने हम लोग मुरीद बने थे उसी दिन हम लोग ने एयरपोर्ट पे सौदा किया. सौदा किस चीज़ का? इस जगह का. और तभी से इसका नाम अशरफी पड़ा है क्योंकि आप लोग अशरफी सिलसिले से मुरीद हो, इसीलिए. पहली बार फहीम भाई वीडियो में आए. माशाल्लाह, आज फर्स्ट टाइम मैंने ना किसी और चैनल पे देखा ना आज तक मैंने इनको ऐसे भी नहीं देखा था, आज फर्स्ट टाइम देखा. तो ये आपके मतलब क्या है, फ्रेंड है, पार्टनर है, क्या भाई है? पार्टनर है, सब है, सब कुछ है. पड़ोसी भी है. माशाल्लाह. सो आप लोग खारगर में साथ में रहते हो? नहीं नहीं, कुरला में साथ में रहते. ठीक है, सो अभी हम लोग बात करेंगे इन पांचों बकरों की, बच्चों की. क्या डिटेल पर है दद्दू भाई? और है ना, दिखाओ दिखाओ. बारीक दांत है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बढ़िया. तो सारे के सारे वैसी है, एकाध का और दिखा दो, बाकी तो फिर रहने देते अपन. ये सब बनने वाले बच्चे हैं माशाल्लाह. ये देखिए, ये बच्चा देखिए, माशाल्लाह बहुत बढ़िया. तो छोटा दिख रहा है, दांत दांत ऊपर का. ये देखे बारीक दांत, चार महीना नहीं करने वाले. और चार महीने अब दांत ही दांत नहीं करेंगे लोग, क्या बात है. ये खाई दो दांत है, उसने दो दांत कर लिया और ये छोटू ने भी नहीं किया होगा. और ये वो भी नहीं किया, वो हाँ बहुत भारी क्वालिटी का है. ये मेरे पूरे इस लॉट का ना सबसे फेवरेट बकरा है. माशाल्लाह, उसका जो चेहरा जो आया है ना, छोटा फेस है लेकिन एकदम बेहतरीन. माशाल्लाह. जफर भाई जरा दांत दिखाओ तो. या क्या बात है यार, क्या बात है, बहुत बेहतरीन चीज है. दद्दू भाई क्या वेट एवरेज होगा है पूरी पट्टी का? ये मेरे ख्याल से 45 के आसपास, 45-46 किलो की पट्टी होगी, है ना. ये बड़ा है. इसमें ये एक ने दो दांत किया, बाकी चारों के चारों अधंत है. हाँ. है ना, माशाल्लाह. और अधंत भी ऐसे के मतलब ये एक दो महीने में दांत नहीं करने वाले. हाँ, ये तीन चार महीने और दांत नहीं करेंगे. उसके बाद तो मतलब माशाल्लाह, जब इनके दांत होंगे. फुटबॉल है गोल गाल. इसका ये तो बोलो कि मेरे इस पूरे लॉट का वन ऑफ माय फेवरेट बोलूंगा मैं इसको. क्या इसने चेहरा लाया है माशाल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया. तो दद्दू भाई ये प्राइस इनके ओपन होंगे ना? सब ओपन है. हाँ, तो सबका मैं वेट करते हैं बोल. हाँ चलो, वेट करेंगे पहले बकरों का और फिर उसके बाद वहीं पर प्राइस की भी डिस्कशन कर लेंगे. जफर भाई पकड़ो ना. बकरे माशाल्लाह फुल एक्टिव है. इसमें पैर में क्या कुछ ऐसा कुछ रहता है क्या, गैप देखना पड़ा? गैप देखा तो उसके पीछे का हिस्सा भी बड़ा होता है. हम्म, तो दखता नहीं है. थाइस वगैरह अच्छी तैयार होती है मतलब. हम्म, एक डालो पहले, एक मिनट रुक जाओ, जीरो दिखा दूं. ये जीरो, ठीक है डालो, एक जन को डालो. चल KG पे तो ये एक बकरा है. 53-54 दिखा रहा है ये. 53.500 ये एक दिखा रहा है. ये दो दांत वाला है ना जो 53 पे? नहीं 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 नहीं, दो दांत वाला इनके हाथ में. अदंत है, अदंत है भाई. माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह,
लद्दू भाई मेरे ना कुर्बानी के बकरा अभी तक मैंने खरीदा नहीं हूँ। मेरे मन में आ रहा है लालच। माशाल्लाह बहुत अच्छा बकरा है। इनको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर किसी को चाहिए तो। 30,000 53 kg 30,000 ये कोट करे। स्क्रीनशॉट आप ले ले बकरे का, वापस हम लोग बाहर निकालेंगे फिर से एक बार दिखा देंगे, ठीक है। ये बकरे का वेट है 48.500, ठीक है 48.500। दद्दू भाई इसका क्या बोल रहे हैं? हाँ दद्दू भाई क्या वेट है उसका? 48.500। ये दे देंगे हम 27,000। 27,000 चलें निकाल दे। इसमें कुछ बच्चे व्हाइट आइज में भी है मेरे ख्याल से, है ना? मेरे ख्याल से ये व्हाइट आइज में ही है। बहुत अच्छे। जीरो दिखा देता हूँ मैं, ये है जीरो, जाने दो। ये मेरा फेवरेट वाला है ना। हाँ बहुत अच्छे। ये इसका वेट है 43.500। इसके क्या प्राइस मांग रहे थे दादू भाई? 26,000। और पलाई आपके पास रखना पड़ेगी। सही है, पलाई है 3,000 रुपये। खस्सी है या अंडूल है जो भी, अभी तो फिलहाल तो हम लोग वीडियो बना रहे हो सारे खस्सी है, तो 3,000 रुपये पलाई है। ये दो दांत वाला बकरा है ना? हाँ, पूरे कर लिया या इसने भी जस्ट किया है? जस्ट किया है ना, ठीक है। और ये बकरे आप देखें 54.500। ये दो दांत वाला है। इसके क्या पैसे बोल रहे थे दद्दू भाई? माशाल्लाह क्या बात है। स्क्रीनशॉट ले लो गाइस इसी के अंदर ही। वाइट खुर गुलाबी और गुरु, इस लॉट का हैवीएस्ट बकरा है ये, और दो दांत पर है। क्या पैसे? दो दांत पे, इसको पतीरा भी बोल सकते हैं। पतीरा बोल सकते हैं, ठीक है। इसके प्राइस 30,000। बहुत अच्छे। तो पलाई 30,000 रुपये, ये बकरा का 30,000 रुपये। पलाई कितना जाएगा पूरे साल में दद्दू भाई का? 3,000 रुपये। तो अभी 10-11 महीने बचे है ना, 10 महीने बचे, तो 30,000 रुपये पलाई भी पकड़ लो, तो 60,000 रुपये अगर आदमी इन्वेस्ट कर रहा है तो क्या हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं दद्दू भाई? जो जो रेट किलो का क्या है बकरे बिल्कुल। हाँ हाँ क्वालिटी देखो, ये क्वालिटी आपको 600 में भी नहीं मिलेगी इस टाइम। उस टाइम पे तो नहीं मिलेगी। ये बकरा है 43.500 पे जा रहा है ये, ठीक है। अबलग कलर में है ये और छोटा है, लेकिन इसका वेट ऑलमोस्ट उनके बराबर का ही, आसपास का ही वेट है। इसके क्या प्राइस बोल रहे थे दू भाई? 25,000। ठीक है, तो हम लोग कुछ बात कर रहे थे सीजन पे ये क्वालिटी वो टाइम पे नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी, आप क्वालिटी देखो, बच्चे देखो। माशाल्लाह। सो ये वो टाइम पे अपने वो क्या रेट में पड़ जाएगा लगभग, वो टाइम के हिसाब से? तो बाजार इतनी महंगी चल रही है। हाँ हाँ, मतलब ये भाव तो मतलब वहाँ गुजरात में मिल रहा है। हाँ सही है ये भाव। अब इसमें हम लोग आ रहे हैं ना, इसमें हम लोग कमाई तो बहुत ना के बराबर रखे। सही है, तो हम लोग पलाई में जो दो पैसा है, और आप पलाई का भी तो आप देखो अनाज फीड वगैरह क्या महंगी जा रही है। हरी पत्ती तो बहुत आसमान पे है अभी। हाँ। फिलहाल तो हाल फिलहाल अच्छा ऐसा कुछ है दद्दू भाई कि हरी पत्ती का अगर रेट कम होता है? हाँ। तो फ्यूचर में आप रेट कम कर दोगे पलाई का, ऐसा कुछ है? नहीं नहीं ना, क्योंकि लास्ट ईयर पत्ती महंगी हो गई थी, लेकिन मैंने रेट बढ़ाया नहीं था। अब पत्ती एक फील वक्त कम होगी 15-20 दिन, लेकिन फिर वही होना है। अभी वो मालूम नहीं कितना होता, मैं 3,000 पे ही ले रहा हूँ। अच्छा, सब जगह 3,500 चल रही है। और मैं तो 3,000 पे ही ले रहा हूँ, ऑलरेडी 500 रुपया कमी ले रहा हूँ। कमी ले, ठीक है। सो ये सारे बच्चों का हमने रेट भी बता दिया, वेट भी बता दिया, ठीक है। कंडीशन ये है कि बच्चे यहाँ पलाई पर रखना पड़ेंगे। हाँ है ना, दद्दू भाई के यहाँ रखना पड़ेंगे, ताकि साल भर ये इनको ट्रैक हम लोग भी कर सके, आप लोग भी कर सके और दद्दू भाई भी कर सके। इनकी क्वालिटी वैसी ही है ना, इनको से ही है ना। सही देखो, गुलाबी देखो, चाल देखो, देखो कल देखो, अब लोगों छोड़ दो, अब लग को छोड़ के। हाँ, और एक इसमें ये जो दो दांत वाला हुआ है। सही, बाकी क्वालिटी बहुत बहुत लोग बेच भी देते हैं। सही बोल रहे हो, ठीक है। सो प्राइस तो बता ही दिए, इसमें कुछ नेगोशिएट होगा दद्दू भाई? मैं इसमें आपको मैंने 550 रुपए से पैसा बोला। सही है, मैंने देखा आप कैलकुलेट कर रहे थे। 550 से बकरे बेच। सही है, तो 550 रुपये किलो के हिसाब से पैसा जोड़ रहे हो, और इस क्वालिटी के बकरे आप देखो तो माशाल्लाह, मेरे ख्याल से अभी तो नहीं मिलने वाले। नहीं, सवाल ही नहीं है ना। सही है। सो दद्दू भाई का नंबर मैं स्क्रीन के ऊपर दे दूंगा, लोकेशन गूगल पे भी रजिस्टर है अशरफी गोट फार्म, आप उसके थ्रू भी आ सकते हैं। मैं लोकेशन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप ऐसे भी आ सकते हो, ठीक है। यहाँ आए, देखे, पसंद करे, उसके बाद सौदा करे। माशाल्लाह
टॉप लाइन की ब्रीड बोलेंगे इसको, टॉप लाइन के बकरे देखा बोला जाए तो गलत नहीं होगा। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लॉट है पूरा, ठीक है। सो इस लॉट को खरीदने में देरी ना करें, ठीक है। सो गाइज मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।